बीजेपी के खिलाफ उठे उसको दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र एकजुट होकर हमलावर हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। लोकतंत्र कैसे खतरे में है, एक बार जनता का जोश निकाल रहे हैं। देखिए लोकतंत्र आप कह रहे देश में केवल मैं अपने दल के नेता की बात नहीं कर रहा, देश में विपक्ष में कहीं भी अगर कोई मुखर आवाज भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है, भाजपा के खिलाफ उठती है, इनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए उठती है, उस विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। हर प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोप लगते हैं, और ऐसी कोई भी आवाज जो बीजेपी के खिलाफ उठे उसको दबाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र एकजुट होकर हमलावर हो जाता है। ये किसी भी प्रजातंत्र में, किसी लोकतंत्र में ये कोई स्वच्छ प्रणाली नहीं, और इसीलिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज मजबूत होनी चाहिए, और विपक्ष की जिम्मेदारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। विपक्ष की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर सरकार के ऊपर कोई इस तरह के आरोप लगे तो पहरेदारी करने के लिए विपक्ष खड़ी है। तो हम जहाँ राजनीति की बात आएगी, जहाँ भ्रष्टाचार की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी और हम आवाज उठाते रहे। लेकिन राजस्थान जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है। शरद पवार हमारे गठबंधन के में हमारे साथ हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी हमें पूरा विश्वास है अनैतिकता से बनी जो सरकार है वो ध्वस्त होगी, और महाराष्ट्र का चुनाव तो हरियाणा के साथ ही है। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखेंगे।